फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सीखेंगे फ्लिप फ्लॉप के बारे में। इससे पहले मैं बता दूं कि मेरे अगले वीडियो में मैं हमने मेमोरी सेल के बारे में आपको बताया था। वहां पे बताया था कि एक मेमोरी सेल एक बिट को स्टोर करता है, वो 1 हो या 0। तो फ्लिप फ्लॉप करता क्या है, रिप्रेजेंट द स्टोरेज ऑफ बाइनरी 1 या 0। जो बाइनरी 1 या 0 है उसे रिप्रेजेंट करता है फ्लिप फ्लॉप। और जहाँ पे वोल्ट है वहाँ पे 1 है, और जहाँ पे वोल्ट नहीं है 0, वहाँ पे 1 या 0 लिखा नहीं जाता। वोल्टेज के द्वारा हमको मालूम करना पड़ता है 1 स्टोर है या 0। तो चलिए देखते हैं फ्लिप फ्लॉप का चार्ट। तो ये फ्लिप फ्लॉप का चार्ट है, जहाँ पे ये वोल्टेज इससे वाई तक आया, और ये एक्स नाम की गेट है। जो गेट है वो ओपन है, मतलब कि उनसे टच नहीं है। तो यहाँ पे वोल्टेज वाई पे जमा हुआ है, और ये जो है वो ग्राउंड 0 वोल्टेज है। तो यहाँ पे 1 स्टोर होगा, क्योंकि वाई पे वोल्टेज जो है वो जमा हुआ है, ग्राउंड पे नहीं गया है, मतलब कि 0 वोल्ट नहीं हुआ है। और ये दूसरी वाली फ्लिप फ्लॉप है, वहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि ये एक्स नाम की गेट है, वहाँ पे वोल्टेज है, मतलब कि वो वोल्टेज यहाँ जो है वो ग्राउंड पे है, मतलब कि 0 वोल्ट हो गया। तो यहाँ पे 0 रिप्रेजेंट होगा और यहाँ पे 1 रिप्रेजेंट। ये एक्स 0 है, एक्स 0 है, मतलब कि ओपन है, गेट ओपन है। तो वाई पे क्या हुआ, वाई पे वोल्टेज है, एक्स 0 है, मतलब कि एक्स पे वोल्टेज नहीं है, वाई पे वोल्टेज है। तो यहाँ पे स्टोर बीट क्या होगा, 1, और यहाँ पे एक्स पर वोल्टेज है तो वाई पे 0 वोल्टेज है, मतलब कि वोल्टेज जो है वो ग्राउंड हो गया, 0 वोल्ट हो गया। तो यहाँ पे स्टोर क्या होगा, 0। फ्लिप फ्लॉप इज नॉन डिस्ट्रक्टिव। जैसे नॉन डिस्ट्रक्टिव सेल के बारे में बताया था कि इरेज नहीं होता, इसी तरह फ्लिप फ्लॉप में डेटा जो है वो इरेज नहीं होता। वोल्टेज होगा तो वोल्टेज ही रहेगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। इसी तरह फ्लिप फ्लॉप वर्क करता है, ग्राउंड होगा तो 0 स्टोर होगा, वाई पे वोल्टेज होगा तो 1 स्टोर होगा। ऐसे जहाँ पे वोल्टेज है वहाँ पे 1, और जहाँ पे वोल्टेज नहीं है वहाँ पे 0 होगा। सो इसी तरह ये फ्लिप फ्लॉप का डायग्राम है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।